जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। पाकिस्तान के ऊपर $130 बिलियन का कर्जा है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर इज इन इंडिया, वो भारत के एक विजिट में हैं 2-3 दिन के। वियतनाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर भारत, और भारत एक प्राइम पिलर मांगता है वियतनाम को अपने इंडो पैसिफिक एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसके अंदर। इससे पहले भी इंडिया ने कुछ $100 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है, जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी। न जाने कंट्रीज के बीच में ऐसी क्या बात होती है, खास तौर पे पाकिस्तानियों में, कि जिनको पैसा मांगना और पैसा खा जाना और पैसा ले लेना और लोन पे चलना, लोन पे जीना जो है वो बहुत अच्छे से आता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस समय इंडिया दौरे पर हैं, और भारत ने जो है ना वियतनाम की मदद के लिए जो है ना $300 मिलियन की जो है ना क्रेडिट लाइन वियतनाम को दी है। अब ये जो क्रेडिट लाइन होती है ना दोस्तों, ये इसमें ऐसा होता है कि ये जो पैसा है वियतनाम को मिलेगा, तो वियतनाम इन पैसों से भारत से जो चाहे वो सामान खरीद सकता है। उसकी पेमेंट वियतनाम को नहीं करनी है, उसकी पेमेंट भारत सरकार कर देगी, और फिर जो वियतनाम है वो आराम आराम से भारत सरकार को पेमेंट करता रहेगा धीरे धीरे किस्तों में। इसे ही क्रेडिट लाइन बोलते हैं। तो अब इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है वो मज़ेदार है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे पे हैं, और कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में ये पहला दौरा है जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फॉर्म मिन चिन जो है उन्होंने दौरा किया है। इंडिया जो है उसने अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई हुई है अंडर द इंडो पैसिफिक विजन एंड द इंडो पैसिफिक विजन। बाय द वे, बोथ आर सेपरेट। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो बिल्कुल सेपरेट है, पहले मौजूद थी, बट द मोमेंट अमेरिकन ने इंडो पैसिफिक विजन इंट्रोड्यूस कराया, जब आपको पता है ओबामा जो है और हिलरी क्लिंटन एंड अदर्स जो थे, वो सारे के सारे जो है वो ये चाहते थे कि हमने चाइना को काउंटर कैसे करना है, चाइना को इंगेज कैसे करना है। उस सिलसिले में ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हुई। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो बेसिकली तमाम जो आसियान ममालिक हैं, जो 10 ममालिक हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है, कल्चरल रिलेशंस की बात करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करता है, एंड देन जब इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो हैं उनके साथ इंडिया के बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीलैटरल जो पार्टनरशिप्स हैं वो मौजूद हैं। इंडिया कहता है कि जब ये जो क्या नाम है इनका चाइनीज जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरिटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है जी, और वो जो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर देगा, दूसरा इंडिया इन आईटी के सेक्टर में भी मदद करेगा, तीसरा इंडिया वियतनाम की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग में मदद करेगा। सो इट मीन्स दैट इंडिया वॉन्ट्स टू हेल्प वियतनाम। किस लिए? इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए, दे शुड बी रेडी टू टेक ऑन चाइना। अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा क्लोज ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है इंडिया को? ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ही इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, और इंडिया की जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो दिस इज, ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। ये जो क्या नाम है उनका, जो चाइनीज आए हुए हैं
जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने ये बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए, और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है जबकि इंडिया फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ 100 मिलियन डॉलर की जो क्रेडिट लाइन है जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी, ठीक है जी, जिसमें 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन है, फिर एक 500 मिलियन डॉलर की भी क्रेडिट लाइन दी हुई है ताकि जो वियतनाम है उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट किया जा सके। सो इंडिया जैसे बाकी ममालिक हैं, आप मुझे याद है हमारे वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, वो चले जाते थे श्रीलंका 50 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन, इंडिया 100, 200, 400, 500 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन दे रहा है। क्यों? उससे क्या होगा, एक तो आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिलेगी, वन। सेकंड इसमें क्या चीज है, सेकंड इसमें यह है कि इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑर्डर मिलेंगे। तीसरा यह है कि इंडिया कंपैरेटिवली सस्ता असला बना के देगा। अगर ये ममालिक असला लेते हैं दूसरे मुल्कों से, वेस्टर्न मुल्कों से, तो महंगा मिलेगा, चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया उस तरह चेक एंड बैलेंस बात नहीं करेगा क्योंकि इंडिया को यह है कि मैंने नए पार्टनर बनाने। और जब साउथ चाइना सी की बात आएगी तो इंडिया ऑल द टाइम, इंडिया की जो डिफेंस, जो उनकी वियतनाम की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको ये कह रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि आप अपनी मैरिटाइम एंड एविएशन सिक्योरिटी को मेंटेन करें और उस सिलसिले में हम आपकी मदद करेंगे साउथ चाइना सी में। सो इन अदर वर्ड्स, इंडिया चाइना के इर्द गिर्द जितनी पावर्स हैं, अगर आपको याद हो कि इंडिया फिलिपाइंस को ब्राह्मोस दे रहा है, वो रशिया एंड इंडिया की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, लेकिन अमेरिकन विल नॉट स्पीक बिकॉज फिलिपाइंस इज गेटिंग एम्पावर्ड विद दैट मिलिट्री हार्डवेयर। कल को चाइना के मुकाबले में लड़ना पड़ सकता है, तो वो असला जो रशिया देगा वियतनाम को वो चाइना के खिलाफ चल जाए तो इट इज गुड। ये होती है, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। अब वियतनाम की ये भी सिग्निफिकेंस है कि वियतनाम जो है वो एज एन अल्टरनेट मार्केट इंट्रोड्यूस की, जो फ्रेंड शोरिंग एंड जो के तहत बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो जब वियतनाम और चाइना से उठाई जाएगी, वो सॉरी ताइवान और चाइना से उठाई जाएगी, वो इधर जाएगी, वियतनाम जाएगी और जा रही है। एप्पल जो है वो अपने एयरपॉड्स बनाता है वहां पर, और इंडिया के अंदर वो आईफोन बनाते हैं।